स्वागत है दोस्तों आपका कॉम्सोल वाटर आयनाइजर प्रेजेंस द टाइसन टॉक शो दिल से में। कहते हैं किसी किसी के टांगों में तूफान बसता है, किसी किसी के सीने में लोहे का जज्बात, लोहे का शरीर होता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फुटबॉलर की जिन्होंने हाल ही में नाम कमाया है अपना, जिन्होंने इंडिया के टॉप प्रोफेशनल लीग में अपने आप को एक बहुत ही मजबूत दावेदार के तौर पे प्रेजेंट किया है। हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द यंगेस्ट प्रोफेशनल प्लेयर्स इन द कंट्री, मिस्टर ग्यामर निकुम। ग्यामर निकुम भाई, स्वागत है आपका आज के शो में। थैंक यू सो मच। तो निकुम भाई, वैसे तो आपका जो क्लिप था जहां पे आपने बहुत ही सुंदर एक, मेरे ख्याल से बनाना की कहता है उसको, वन दैट यू कर्ल्ड इन मुंबई यूनाइटेड के साथ जो आपका मैच था, वो मेरे ख्याल से बहुत ही फेमस हुआ था वो। तो हाँ, वो वाला परिचय तो आपको हो चुका है, स्क्रीन पे आप आ गए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक 17 साल का लड़का ग्यामर निकुम है कौन? Like, you just introduce yourself. मेरा नाम ग्यामर निकुम है और बेसिकली मैं नालागढ़ में रहता हूँ और मेरा होम टाउन कुरुंगकु में न्यापिन से हूँ मैं। फिलहाल ही मैंने ये प्रोफेशनल ज्वाइन किया था। So, congratulations by the way. प्रोफेशनल खेल पाना मेरे ख्याल से हर किसी के नसीब में नहीं होता। मेरे ख्याल से आज तक अरुणाचल में 3-4 ही होगा जिन्होंने प्रोफेशनल लेवल पे खेला है। तो निकुम, मैं पूछना चाहूंगा आपसे, वो कौन सा मोमेंट था ना, कौन सा स्टेज में आप कितने क्लास में थे या कितना आपको उम्र था जब आपको लगा, जैसे हम अरुणाचल भाषा में कहते हैं हम सकेगा क्या, ये वाला फीलिंग कब आया आपको कि शायद मैं भी एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बन सकूं? खेलना तो बहुत छोटा से शुरू किया था, क्लास 5-6 से, लेकिन सोचा नहीं था मतलब कि इतना प्रोफेशनल तक जाएगा, कि इतना ऊपर तक खेलेगा। बस ये जब ये कोरोना खत्म हुआ था तो उसके बाद सब चीज जो नॉर्मल हो गया था, तो उसमें 10 भी पास हो गया था मैं, तो उसमें मतलब ट्राई करके देखिएगा बोल के था बस कि बाहर का कैसा होता है फुटबॉल, वो सब हम लोग इधर से कितना अलग होता है। तो ये रिसेंटली मतलब वो ही हुआ। तो ये मतलब कोरोना काल के बाद ही आपका जो है ये मतलब ये जो प्रोफेशनल फुटबॉल का जो जर्नी है। हाँ, तो आपने वैसे आप छोटा से ही खेलते थे? मतलब हाँ, मतलब 6-7 से हॉबी था, मतलब खेलना से खेलता था। तो मेरे ख्याल में आपने, अभी तो आप प्रोफेशनल फुटबॉलर हो, बट मेरे ख्याल में आपने स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन यानी अरुणाचल प्रदेश को भी आपने रिप्रेजेंट तो जरूर किया होगा। हाँ, तो बताइए आपने कौन कौन से लेवल में रिप्रेजेंट किया अरुणाचल? जब मैं क्लास 7 में था तो उसमें ये नोटिस सीजन का ये सांकिस बोल के था, तो उसमें ऐसा होता है कि स्टेट के अंदर क्लब स्कूल जो भी मतलब पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें से जो विनर आते हैं तो वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने लेकी पब्लिक स्कूल से खेला था, तो उसमें चैंपियन हुआ था, तो उधर से फिर स्टेट को रिप्रेजेंट करके आसाम गया था, तो उसमें आके आ गया, फिर खेला, फिर अंडर 15 नेशनल सब जूनियर खेला था, उसमें हम उसमें ये सिल्वर मेडलिस्ट हुआ था, तो फिर उसके बाद ये अंदर इतने बीसी रहे उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। तो मतलब अरुणाचल प्रदेश को भी आपने डिफरेंट लेवल्स में आपने रिप्रेजेंट किया है, एमेच्योर एज एन एमेच्योर। तो निकुम, मेरे ख्याल से हमारे बहुत सारे दर्शक होंगे उनको भी ये जानने का मन होगा दैट ये जो अंडर 13 होता है, अंडर 15 होता है, अंडर 18 होता है, ये और आप जो अभी एक प्रोफेशनल फुटबॉल खेल रहे हो, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एमेच्योर फुटबॉलर एंड ए प्रो फुटबॉलर? अपने दर्शकों को आप फ्रैंकली बता दीजिए। एमेच्योर बोलने से जैसे कि आप खेलते हैं अंडर 13, 16, 18 वो सब में मतलब ऐसे पार्टिसिपेट करने के लिए खेलते हैं या स्काउट होने के लिए खेलते हैं, और प्रोफेशनल हो गया जैसे कि आप खुद एक प्रोफेशनल आपका करियर जैसे ले गया, उसमें आप जैसे कि मैं एक प्रोफेशनल फुटबॉलर हूँ तो मैं इंडिया के टॉप टीम्स प्लेयर लोग के साथ खेलता हूँ, जैसे कि सुनील छेत्री वो सब हो गए, तो रिसेंटली दुरंत कप में उन लोग के साथ खेला। और प्रोफेशनल जैसे कि हो गया जैसे कि क्लब्स आपको पे करते हैं खेलने के लिए, तो वही है बेसिकली। आप मतलब अभी आप कोई स्टेट एसोसिएशन के बिहाफ में आपने खेला, यू आर प्लेइंग एज ए प्रोफेशनल, एज ए मतलब ये नौकरी है आप? हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे कि आपने बताया कि आप यू नो बड़े बड़े नाम के साथ, आई थिंक यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट, मेरे ख्याल से लीग ये जो आई लीग ये जो होता है, आईएसएल जो होता है, मेरे ख्याल से आई थिंक यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
हाँ मतलब मेरे एज के भी है कोई कोई लोग, लेकिन मतलब इतना नहीं होते कि जो मतलब 17-18 में खेल सकते हैं, बस समझ गए। सो हाउ डज इट, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि हाउ डज इट फील लाइक प्लेइंग विद सुनील छेत्री के साथ आप खेल रहे हो, रॉबिन सिंह, पता नहीं मेरे को इतना तो पता नहीं है, बट सो मेनी लाइक नामी गिरामी फुटबॉलर्स है, कोचेस है, आई एम विजय, ये ऑल दिस लेजेंडरी फिगर्स ऑफ इंडियन फुटबॉल ना, तो सुनील छेत्री के साथ मैदान शेयर करने का थोड़ा एक्सपीरियंस बताए, कोई मैच हुआ उसके क्लब के साथ आपका? हम लोग मतलब कलकत्ता में थे वही है, हालांकि अलग अलग ग्रुप में आ गए तो खेलने तो नहीं मिला, पर उनके ग्रुप में भी टॉप टॉप इंडियन प्लेयर्स थे, जैसे कि लिस्टन कोलाको, मनवीर सिंह, तो वो लोग के साथ भी चांगते हो गया, तो टॉप टॉप फॉरेनर्स और इंडिया के टॉप क्लब्स एटीके मोहन बगान, मुंबई सिटी एफसी, ईस्ट बंगाल, तो उन लोगों के साथ खेलने मिला तो वो भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। अच्छा, ईस्ट बंगाल और एटी के मोहन बगान दोनों आपके ग्रुप में थे, हाँ इट मस्ट हैव बीन अ रियली आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट ग्रुप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ क्योंकि अगर ये दो फुटबॉल जायंट्स आपके ग्रुप में हैं जो फुटबॉलर फॉलो करते हैं इंडियन फुटबॉल, वो मालूम होगा कि मोहन बागान एंड ईस्ट बंगाल है, दे आर द नेम्स टू रिमेंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा है, बट आपका प्रोफेशनल जर्नी अभी शुरू हुआ, मेरे ख्याल से शोल्डर रब करने का मौका जरूर मिलेगा आपको लाइक विद ऑल दिस बिग फुटबॉल जायंट्स ना। तो चलिए और थोड़ा सा हम अपने स्टेट पे वापस आते हैं, जैसे कि आपने कहा यू स्टार्टेड योर फुटबॉल जर्नी बेसिकली विद लेकी पब्लिक स्कूल, जैसे आपने बताया आप वहां पे, तो अरुणाचल के जो स्कूल बच्चे हैं जो अभी क्लास 9 में है, जो क्लास 7 में है, 8 में है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आप किस तरह का इंकरेजमेंट देना चाहोगे लाइक वो लाइक दे वांट टू बिकम ए प्रोफेशनल फुटबॉलर, व्हाट इज द राइट थिंग दैट दे शुड डू? वही बोलूंगा कि मैंने जो नहीं किया, अगर आपको प्रोफेशनल जाना है या मतलब खेलना है फुटबॉल और करियर में ले जाना है, तो मतलब जितना जल्दी हो सके उतना मतलब बाहर जाइए, एकेडमी ज्वाइन कीजिए, मतलब तब आपको छोटा सा मतलब बेसिक का आइडिया होगा तो और अच्छा होगा, जितना आप बढ़ते रहे उतना एक्सपीरियंस गेन होगा। मुझे तो लास्ट ईयर ही जाने मिला तो मेरे पास भी ना एक्सपीरियंस नहीं है, बट खेलने मिल रहे तो आई वेरी लकी उसके लिए भी। तो अभी जैसे कि लास्ट ईयर जब मैंने ज्वाइन किया था उतना मतलब मेरे साथ 5-6 दोस्तों की गेट है, तो ये सब मतलब अभी फुटबॉल मतलब करियर में जाता बोल के अरुणाचल के पेरेंट्स को भी इतना हो, तो ये साल एक केजी में मैं शायद 40+ जैसे अरुणाचल स्टूडेंट्स आ गए, तो छोटे छोटे भी है मतलब 10-11 साल वाले भी है, इतने छोटे वाले भी है, तो उन लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि उन लोगों को इतना छोटा से मतलब इतना बड़ा स्टेज मिल रहा है, सीखने का जगह, फैसिलिटीज अच्छे हैं, तो उन लोगों का फ्यूचर ब्राइट होगा। तो वही बोलूंगा कि मतलब जितना जल्दी हो सके अपने पेरेंट्स को बोलो कि खेलना है बाहर, एकेडमी ज्वाइन करना है। तो मतलब आपका जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो छोटे एज में फटाफट आप पकड़ ले तो एडवांटेज होता है। हाँ जितना जल्दी जाए उतना ही अच्छा होता है। तो निकुम चलिए हम वापस आते हैं आपकी जो स्कूलिंग जर्नी, आपके जो इनिशियल स्टेजेस में हम वापस आते हैं, तो निकुम आपने जैसे बताया कि आप बड़े बड़े स्टेज में खेलते, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लाइक आप लेकी पब्लिक स्कूल में आप पढ़ाई करते थे, अरुणाचल की स्कूल में आप पढ़ाई करते थे, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक जो बच्चा अभी जो क्लास 6 में है, क्लास 7 में है, क्लास 8 में है, वो बच्चा अगर प्रोफेशनली फुटबॉल खेलना चाहेगा तो उसको क्या सही करना पड़ेगा, क्योंकि खेलते तो सब है, बट व्हाट इज द राइट थिंग दैट वी नीड टू शो टू, आप इसको बताइए। अगर जैसे कि आपको प्रोफेशनल खेलना है तो मतलब करियर बनाना है, तो उसमें तो आप जितना छोटा में हो सके मतलब उसमें एकेडमी है बाहर उस समय ज्वाइन करने ट्राई कीजिए, क्योंकि एकेडमी में वो सब चीज होता है, फैसिलिटीज, ग्राउंड, सब चीज अवेलेबल होते हैं, और ये हेल्थ का मेंटेन, खाना वीना पीना से आपका अच्छा होता है, तो उसमें आपको जितना आप जल्दी शुरू करें उतना आपको मतलब बेसिक्स जल्दी आएगा, एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि प्रोफेशन में वही मायने होते हैं, बेसिक्स अच्छा होने आपका और जितना एक्सपीरियंस होगा उतना खेलने कंफर्टेबल होता है आपके लिए, और इंडिविजुअल तो आप जितना मेहनत करेगा उतना खुद बढ़ जाएगा। तो वही बोलूंगा कि मतलब अगर आपको प्रोफेशनली जाना है तो आप जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी ज्वाइन करने ट्राई कीजिए। मतलब ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल प्रोफेशनल मिलनी चाहिए, मतलब आपको सही से जो ट्रेन कर सके, वरना लाइक मेहनत तो बहुत करते हैं। तो हम जब ऑफ कैमरा जब हम बात कर रहे थे तब आपने कहा था कि लाइक आपने जब एकेडमी ज्वाइन किया था तो
आपके साथ तीन चार पांच ऐसे कुछ थे। तो अभी नंबर्स में कोई बढ़ोतरी हुई है, कोई बहुत सारे लोग आ गए हैं ना? अभी भी सेम ही है, लाइक द नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम अरुणाचल जॉइनिंग इन फुटबॉल एकेडमीज, हैज इट इंक्रीज्ड? अभी तो बहुत चेंज हो गया, जैसे कि पहले मतलब माइंडसेट ही चेंज हो गया इधर का पेरेंट्स का, कि लास्ट सीजन जब मैंने ज्वाइन किया था मेरे साथ चार पांच दोस्त थे कुछ जो फुटबॉल खेलते थे मेरे साथ। तो अभी रिसेंटली जो नया एकेडमी सेशन शुरू हुआ उसमें प्लस अरुणाचल स्टूडेंट्स आ गए, उसमें भी छोटे छोटे भी बहुत है, 11-12 साल वाले बच्चे भी। तो देख के मतलब खुशी होता है कि अभी मतलब अपना अरुणाचल का पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहा है अपना बच्चा लोग। तो मतलब माइंडसेट जो है ये डेफिनेटली धीरे-धीरे चेंज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, लाइक ऑफ कोर्स आप यू आर स्टिल अ माइनर, आई डोंट नो ना, आप अभी भी एक माइनर हो, आपका ना ड्राइविंग लाइसेंस का एज आया है ना, आपका पब में एंट्री का एज आया है, लीगली यू आर स्टिल अ माइनर, यू आर स्टिल अंडर द केयर ऑफ योर पेरेंट्स। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, एक पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स का या आपके जो गार्डियन, आपके जो टीचर्स, वेल विशर्स, उनका कितना इंपॉर्टेंट योगदान था आपका ये जो शॉर्ट बट रियली लाइक मैच्योरिंग जर्नी में, क्या योगदान था उनको? मेरे जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स और मतलब पापा के जो साइड थे, मतलब पापा के बारे में, तो उनका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उन्होंने छोटा से मुझे मतलब सपोर्ट किया बूट व्हाट्सएप खरीदने में, या फिर जब लास्ट सीजन गया तो उसमें भी मतलब पापा लोग को भी मतलब माँ को समझाया कि मतलब ऐसे ऐसा होता है बाहर में, अच्छा होता है, कोई जाने दीजिए ऐसे। तो कहीं ना कहीं आपके जो अंकल्स हैं, दे प्लेड अ वेरी पिवोटल रोल इन योर लाइफ। बहुत 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 धन्यवाद निकुम के अंकल, अगर आप देख रहे हैं, और निकुम के अंकल्स टाइसन टॉक शो की तरफ से बहुत धन्यवाद, आपने इनको सपोर्ट किया, इसके लिए आज हम बैठे हुए हैं बहुत ही यंग बड़ी फुटबॉलर के साथ, थैंक यू। एट द सेम टाइम अब मैं एक बड़ा ही टिपिकल सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपको, जो मेरे ख्याल से हर इंडियन के जुबान पे रहता है, दैट इज हाउ डिड यू मैनेज योर स्टडीज एंड फुटबॉल, क्योंकि पढ़ाई जो है वो मेरे ख्याल से इंडियन पेरेंट्स आई थिंक, सो हाउ डिड यू बैलेंस, लाइक मतलब शुरू में तो हो जाता था क्योंकि मतलब फुटबॉल तो एक हॉबी टाइप का ही था, लेकिन जब से बाहर आया मतलब प्रोफेशनली ले गया, उसमें मतलब आपको मैनेज तो खुद ना खुद करना पड़ेगा, जैसे कि हर साल भर तो आपका फुटबॉल प्रोफेशनल टूर्नामेंट चलते रहेगा तो समय भी नहीं मिलता है, तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बस बहुत तकलीफ होती है मतलब दोनों साथ में ले जाने, लेकिन वो आपका ऊपर है आप उसको कैसे वो करते हैं। तो फिलहाल मैंने भी मतलब ज्वाइन करके रखा स्कूल, लेकिन अभी जाने समय नहीं मिलते, बट जब फ्री टाइम में मतलब खुद इंडिविजुअल मतलब पढ़ना पड़ता है क्योंकि एग्जाम वो सब तो देना पड़ेगा, इसलिए वो जो मतलब प्रोफेशनली आगे ले जाने से मतलब तकलीफ तो होता है, लेकिन वो आपका ऊपर वो आप कैसे हैंडल करते हो, मतलब पढ़ाई आप कर लेते हो जब जब समय होता है आप कर लेते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला मेरा जो क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से हर किसी अरुणाचल के मन में जहन में होता होगा, वो ये है कि देखिए अरुणाचल का जो फुटबॉल सीन है इट्स वेरी लोकलाइज्ड, जैसे कि हमारे अरुणाचल में ऐसा होता है कि जो स्कूल में अच्छा खेल लेता है तो वो बंदा जो है अपने आप को, आप समझ गए ना, वही तक सीमित रख देता है, यू नो आई एम द किंग ऑफ द लेखी पब्लिक स्कूल का मैं सबसे बड़ा प्लेयर हूँ, या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल का मैं सबसे बड़ा प्लेयर हूँ। तो इसके बारे में मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि एक बंदा जो अपने आप को सपोज डीएन का हो, सबसे फेमस फुटबॉलर है, तो मैं आपसे ये, हालांकि आपको छोटे हो पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस टाइप का माइंडसेट को किस तरह फाइट, क्योंकि आई एम श्योर लेखी पब्लिक स्कूल का तो आप द बेस्ट फुटबॉलर था ही होगा, वहां पे भी नहीं थे आप सबसे बेस्ट, बहुत ही मॉडेस्ट है लड़का, बहुत हम्बल है लड़का, तो फिर भी इस तरह के माइंडसेट को हाउ डू यू हैंडल किया, जो मतलब ये जो सिर पे जो चढ़ जाता है ना, इसको कैसे हैंडल किया आपने? वो तो अभी आपके ऊपर है उसको कैसे हैंडल करना है। मुझे तो मतलब लगता ही था कि मतलब क्योंकि मैं छोटा सा देख के आया फुटबॉल और सब टीवी में भी देख के आया, तो पता है कि मतलब मैं अपने बेस्ट में नहीं हूँ, मुझे तो इतना मतलब सिर्फ इधर में अच्छा खेलने से भी मतलब बाहर में जाने से मैं कुछ नहीं हूँ। तो सबके अंदर अलग अलग माइंडसेट होता है, तो वो उनके ऊपर होता है उसको कैसे हैंडल करना है। मैंने अपना जैसे कि मुझे तो पता है कि मैं अपना बेस्ट नहीं हूँ, तो कि जब अंदर 15 अंदर 18 खेलता था
मुझे मतलब इतना गेम टाइम नहीं मिलता था जितना भी सीनियर टीम में मिल रहा है, तो उसमें मैं सोचता था कि मतलब इतना मतलब मैं हूं नहीं तो प्रैक्टिस करूंगा, हार्डवर्क करूंगा। फिर लॉकडाउन में भी मैं खेलता था, तो लॉकडाउन के बाद ही मैं अभी किया, तो अभी उसमें मतलब किया। अभी जितना मुझे छोटा में गेम टाइम नहीं मिला उतना मुझे इतना अभी प्रोफेशनल में इतना गेम टाइम मिल रहा है, तो अभी खुशी लगता मतलब कि इतना मतलब आगे बढ़ गया। तो नहीं कहीं ना कहीं ये जो जो इच्छा होता है आपका टू डू बेटर देन व्हाट यू ऑलरेडी आर, आई थिंक दैट इज व्हाट ड्राइव्स ना। छोटा लगता है लेकिन इतना बढ़िया सोच है इसका, नो वंडर ही इज अ गुड प्रोफेशनल फुटबॉलर। तो निकुम चलिए बात करते हैं आपके क्लब के बारे में, यू नो नाउ यू आर अ प्रोफेशनल फुटबॉलर। तो एक होता है ना जब आप प्रोफेशनल फुटबॉलर होते हो तो आपको आपका एक लॉकर मिलता है, का नाम होता है, आपका किट आता है, आपका यू नो पर्सनलाइज किट आता है, बूट्स वगैरह पहले से ही ना, जैसे कि हमारे नॉर्मल लड़के होते हैं उनको दुकान में जाके यार मेरा साइज का बूट्स दे दो, आपका तो बनाया बनाया आता है, किट्स वगैरह आता है। तो यू नो हाउ वाज द एक्सपीरियंस व्हेन यू प्लेड प्रोफेशनल फुटबॉल फॉर द फर्स्ट टाइम, वो जो लॉकर रूम में जाना और जो क्लब में निकलना, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका, जरा शेयर करिए हमारे साथ। मतलब जब बाहर गया था तो सब चीज ही मतलब मेरे लिए फर्स्ट था, तो शुरू से मतलब हर चीज में नर्वसनेस आता था। तो जब एकेडमी में शुरू से ज्वाइन किया उसमें भी नर्वसनेस था, क्योंकि समय से मतलब जो टाइम दिया उससे आधा घंटा पहले पहुंचना है, खुद का मतलब इंडिविजुअल मतलब वार्म अप करना है, बहुत कुछ होता था। तो सब चीज उधर जाके सीखने को मिला, मतलब हर चीज का अलग वो होता है। तो जब मतलब धीरे धीरे सब नर्वसनेस गया, फिर जब पहली बार सीनियर टीम गया था उसमें तो मतलब और भी नर्वसनेस था, क्योंकि मैं उसमें जब फर्स्ट सीनियर टीम गया मैं 16 ईयर्स का था, तो उसमें मतलब सीनियर सीनियर बहुत थे, तो मेरे ऐसा कोई था भी नहीं, मैं अकेला था। मतलब मैं काटना चाहूंगा आपको, 16 साल की उम्र में आपने प्रोफेशनल खेलना शुरू किया, हाँ तो आपकी टीम में इसको मेरे ख्याल से सम ऑफ यू माइट हैव सम ऑफ देम माइट हैव बीन डबल योर एज। हाँ किसी किसी का मैरिज का अभी बेटा साहब तो किसी ने दादागिरी तो नहीं की ना नहीं, मतलब इधर के लोग सोचते हैं कि मतलब बाहर जाने से ऐसा होता है दादागिरी और सब, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्रोफेशनली मतलब उन लोग वो लोग भी क्योंकि बहुत प्रोफेशनल होते हैं, तो उन लोग होता आपको और सपोर्ट करते हैं। तो इधर का माइंडसेट होता है कि मतलब बाहर जाके वो लोग आपको कुछ बोलता है, दादा मारता है, अंदर रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब अगर आप प्रोफेशनली जाओगे तो वो लोग आपको तो और सपोर्ट करे और मतलब हर चीज में मतलब सपोर्ट करते तो और अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं मतलब आपका ये कहना है कि हर कोई सेम नहीं होता, हाँ अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको, पांचों लोग भी जैसे सेम नहीं होता, और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो बहुत ही मतलब एक बढ़िया जर्नी रहा अभी तक आपका, जो शॉर्ट जर्नी से हाँ इट वाज अ वेरी नाइस। तो मैं आई एम श्योर मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जरा ये जो आई लीग होता है या ISL होता है इसके बारे में जरा बताइए, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई लीग ISL एंड ये जो स्टेट लेवल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, मेन मेन डिफरेंसेस आप अगर बताना चाहते हो। मेन डिफरेंस इस मतलब सबसे बड़ा डिफरेंस तो वही है क्वालिटी, क्योंकि सीनियर में आप अगर जाओगे तो उसमें बहुत क्वालिटी मिलेगा, फिर स्टेट में स्टेट में तो कोई भी खेल लेता है, मतलब ऐसे मतलब अगर स्टेट के अंदर आप खेलते हो तो उनको मिल ही जाता है। लेकिन प्रोफेशनली अगर जैसे आई हो गया ऐसे उसमें चांस मिलना बहुत तकलीफ है, मतलब जैसे आप जाते हो तो आपको अगर आप गेम टाइम दिखाओगे तो उसमें आपको सिलेक्ट होगा, फिर उसमें आप नहीं दिखाओगे तो उसमें आपको कुछ गेम टाइम नहीं मिलेगा, तो उसमें फिर आप डाउन डाउनफॉल चला जाओ। तो प्रोफेशनल में डाउनफॉल वो सब बहुत होता है, तो वो आपके ऊपर होता है कि मतलब आपका मतलब परफॉर्मेंस को हमेशा हाई रखना है, कि अगर आप हमेशा नहीं रखोगे तो डाउनफॉल होगा तो फिर बहुत तकलीफ होता है। तो ये तो हो गया क्वालिटी के बारे में, और मैं आपसे हमारे दर्शक भी बेशक मेरे ख्याल से जानना चाहेंगे कि लाइक एक जो क्लब लेवल का जो फुटबॉलर होता है और जो स्टेट्स के लिए जो खेलता है, वो लोग दोनों का बीच में मतलब जो जॉब का जो डिफरेंस है वो आप बता सके तो, मतलब व्हाट इज दोनों का आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है, चलेगी समथिंग लाइक दैट। मतलब बोला तो नहीं चाहूंगा, लेकिन डिफरेंस बहुत सब बहुत ज्यादा है, मतलब पास में भी नहीं, क्योंकि स्टेट में मतलब आप लोग को मिल जाता है पॉकेट मनी ऐसे कुछ, लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता है, कि प्रोफेशन में हर अलग होता है। मतलब
जैसे कि आपको उतना सैलरी मिल, अगर आप परफॉर्मेंस दिखाओगे तो जितना बड़ा क्लब में जाओगे आपको उतना सैलरी भी उतना ही मिलेगा, कि मतलब आप मतलब गाड़ी का ले सकते हो, घर फैमिली इजीली हो जाएगा, कि वही आपको परफॉर्मेंस मतलब हमेशा हाई रखना पड़ता है, उसकी तरफ से सैलरी भी वही मिलता है और हर चीज का अलग होता है, बोनस सब भी वगैरह। मतलब कि ये जो अपने आपको आप ऑफ कोर्स एक स्टेट लेवल का प्लेयर बनना भी बहुत बड़ा बात होता है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वहां तक लिमिट मत करिए अपने आप, हाँ गो फॉर द प्रोफेशनल, या बहुत ही अच्छा। तो इतनी छोटी उम्र में लाइक यू नो योर अर्निंग आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, आई एम श्योर आप अपने पेरेंट्स को ये लोग को भी आप सपोर्ट कर रहे होंगे, हाँ तो ये चीज तो बहुत अच्छा। आप रिकु मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बहुत ही यंग बडिंग फुटबॉलर हो, तो जैसे कि आपने पहले कहा कि यू नो आप अपने आप को कहीं ना कहीं सीमित नहीं रखते हो, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज नेक्स्ट नाउ यू आर प्लेइंग इन यू नो इंडिया का तो टॉप लीग में खेल रहे हो आप, तो क्या सपना है, क्या ग्यामर निकुम को हम कैप्टन इंडियन फुटबॉल टीम, या फिर हु नोस मे बी आप PSG चले जाओ खेलने के लिए, बायर्न म्यूनिख चले जाओ, सो कहाँ तक सोच के रखे हो आप और कितना मेहनत कर रहे हो उसके लिए आप, सिंस यू आर वेरी यंग दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग। फ्यूचर का तो कोई कहना नहीं है, लेकिन अभी तो जितना मतलब अपने जा सकता हूँ उतना के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अभी फिलहाल तो छुट्टी लाया हूँ, वापस अभी आई के लिए प्रीसीजन वापस जाऊंगा, फिर उधर मेहनत करूंगा, तो नेशनल टीम तक खेलना है, मतलब अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, उससे बड़ा प्राउडनेस और क्या हो सकता है, तो वही मतलब अपने नेशनल टीम के लिए भी खेलना है, और मतलब इंडिया के टॉप क्लब्स और बड़े बड़े क्लब्स में खेलना है, और मतलब और नाम कमाना है, कि उसके क्या पता मतलब वो स्काउट यूरोप में भी हो जाए तो और अच्छा है। बिल्कुल, तो मतलब अगर मेहनत करोगे तो हो हाँ सकता सब है, कुछ कुछ हो हो सकता सकता है इंडिया की टीम में, तो आई एम श्योर कभी ना कभी इन द नियर फ्यूचर हम जरूर देखेंगे आपको। तो आप बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं स्काउट, स्काउट जो होता है मेरे ख्याल से हमारे बहुत सारे दर्शकों को पता होगा, पर बहुत सारे दर्शकों को पता भी नहीं होगा हु इज अ फुटबॉल स्काउट एंड व्हाट इज हिज फंक्शन, ये जरा आप हमारे दर्शकों को बता सकते हो। हाँ जी, मतलब हो गया कि जैसे कि एक क्लब का जैसे स्काउट आता है, वो लोग मतलब अपने एकेडमी के लिए या रिजर्व टीम के लिए मतलब प्लेयर्स सर्च करता है, तो उसको भी बोलना चाहूंगा कि मतलब बहुत लोग इधर के सोचते हैं कि मतलब जब ट्रायल्स आता है स्काउट देखने आते हैं ना, सोचते हैं कि मतलब इंडिविजुअली परफॉर्मेंस करूंगा, दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे काट काट के जाऊंगा, मेस्सी बनूंगा, फिर तो मुझे देख के ले लेंगे, ऐसा भी नहीं होता। मतलब आप इंडिविजुअली तो अच्छा हो उसको तो देख ही लेंगे ना, लेकिन मेन मायने क्या होता है कि टीम गेम, आप अगर गेम कैसे खेल रहे हो उसका आपका हार्डवर्क देखता है स्काउट्स लोग सबसे ज्यादा, और उसके बाद इंडिविजुअल देखता है, तो वही बोलूंगा कि मतलब जब कोई स्काउट्स आता है तो मतलब हमेशा इंडिविजुअल ट्राई करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितना ड्रिबलिंग करोगे उनको उतना पसंद भी नहीं आएगा, आ भी सकता है, लेकिन आप अगर टीम गेम खेलोगे, हार्डवर्क करोगे, कम्युनिकेशन करोगे अपने प्लेयरों के साथ, तो उनको स्काउट्स और पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्काउट वो इंसान होता है जो क्लब्स की तरफ से देखते हैं, हाँ दे जस्ट गो टू डिफरेंट टूर्नामेंट्स, दे गो टू डिफरेंट प्लेसेस एंड लुक आउट टैलेंट हंट, टैलेंट वाला हंटर से हो गया फुटबॉल, फुटबॉलर्स का। ओके, तो बहुत अच्छी बात कहा आपने कि नो फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल में एक लड़का तो नहीं होता, हाँ 11 प्लेयर्स होते हैं, तो सब ऑफ कोर्स हु इज अ गेम मेकर, स्ट्रेस रहता है। तो मेरा अगला प्रश्न जो है वो आपसे ये, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आप यू नो फुटबॉल इज सच ए डिमांडिंग स्पोर्ट, बहुत ही आपको उसी में आपका ध्यान देना चाहता है, पर ग्यामर निकुम के पास कुछ और हॉबी है, कुछ और टैलेंट है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, एनीथिंग? नहीं बिल्कुल फुटबॉल पे कॉन्सेंट्रेट है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आप बच्चे हैं, बिल्कुल आप छोटे बच्चे हो, पर आप इतने भी छोटे बच्चे नहीं हो, तो मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यू नो एक फुटबॉलर हो आप, तो ऑब्वियस बात है एक टीनेजर हो आप, तो फीमेल फैन फॉलोइंग तो कहीं ना कहीं होता हो, तो आप किस तरह से हैंडल करते हो इसे? शर्मा रहे नहीं, ऐसा हर कोई का होता है, जैसे कि जब प्रोफेशनली नहीं खेला था तब स्कूल में दोस्त रखने में कोई नहीं है, बट दोस्ती तक ही ठीक है। हाँ दोस्ती तक ही, वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो अगर आपको अपने रखना है तो नहीं रखना है,
आपका ऊपर होता है। बहुत ही अच्छा। तो निकुम हम आपसे बहुत सारी हमने आपसे बहुत सारी बातें की और मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता चला होगा कि एक प्रोफेशनल फुटबॉलर होता क्या है, एक प्रोफेशनल फुटबॉलर का जर्नी कैसा होता है। तो मुझे तो बहुत कुछ पता चला। तो निकुम मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे आपके आपको देख रहे होंगे कि आपने किस तरह से फुटबॉल खेला, किस तरह से आपको करते, तो एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव आउट टू एनी स्मॉल पर्सन जो मतलब एक बडिंग फुटबॉलर बनना चाहता है और उनके पेरेंट्स को भी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली टू देयर पेरेंट्स। आई जस्ट वांट टू से दैट देखो अगर आपका बेटा मतलब कुछ करना चाहते हैं कि मतलब स्पोर्ट्स में जाना है, फुटबॉल बोल के भी नहीं है, अलग मतलब स्पोर्ट्स बहुत है, अगर कुछ जाना है तो मतलब ट्राई करने दीजिए, क्योंकि आजकल मतलब पढ़ाई से हर कुछ नहीं होता है, मतलब स्पोर्ट्स से भी बड़े बड़े लोग बनते हैं, बड़ा बड़ा नाम आता है। नथिंग ना, ट्राई कराने में कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि वो खेलेगा तो मतलब उसको उसको उतना खेलने का वो है, तो ट्राई करने दीजिए, क्योंकि उसका भी पसंद है, क्योंकि आजकल हर कोई को अपना अपना पसंद करने नहीं मिलते हैं। तो अगर लगता है कि आप अगर आपका बेटा ऐसे कुछ कर सकते हैं, बेटी, तो भेज दीजिए, मतलब ट्राई करने दीजिए, अगर उसको इतना शौक है तो ना एक बार ट्राई करने में क्या ही जाता है। बिल्कुल ना, एक बार उनको अपना जो है पोटेंशियल को एक बार टच करने के लिए बिल्कुल उनको मौका देना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा निकुम आपसे बात करके, हमने बहुत सारी बात की आपको, तो आपको हम हमारी तरफ से कुछ तो देने के लिए है नहीं, बट एक छोटा सा पिटारा मैंने अपने पीछे से निकाला है अभी जो मैं आपको देना चाहूंगा, प्लीज जस्ट अ सुवेनियर फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू प्लीज। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। और हमारा जो टाइसन टॉक शो फैमिली है उसके तरफ से मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, एंड ऑफ कोर्स ऑल द अरुणाचलीज आई एम श्योर would really want to see you wear that, you know, Indian blue jersey aap pehne, captain ke roop pe aap khele, and God willing someday you play the World Cup also. It's not a distant dream. Bilkul, bilkul. Na to is tarah ke sapna aap dekhe aur bilkul mehnat kare, hum bilkul bilkul aapko support karenge. Thank you so much. To darshako, ye tha hamara budding footballer, the teenage sensation of Indian football, Mr. Gyamar Nikum, जिनके साथ बहुत सारी बातें की हमने, बहुत सारी inspirational चीज हमने discuss किया, और I'm sure आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज के एपिसोड के अंत में आ चुके हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, खुशियां और कहानी लोगों के साथ बांटिए। तो टाइसन टॉक शो की तरफ से आप लोगों के गुड बाय दे रहा हूं मैं, मिलते हैं आप लोगों को अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।